हेलो एवरीवन, एडीएम शेस पर आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे एकदम स्वादिष्ट और डिलीशियस मिठाई, जिसका स्वाद एकदम काजू के बराबर आएगा। साथ ही में इसमें हम बिल्कुल भी घी या दूध का यूज़ नहीं करेंगे, हाथों पर भी घी या तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही में इस तरह की आसान मिठाई आपने कभी भी नहीं बनाई होगी, बहुत आसान है, बिल्कुल चुटकी बजाने जितना आसान है इसे बनाना। तो चलिए जल्दी से हम इस स्वादिष्ट और डिलीशियस मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में हम डाल देंगे ये 2 कप सूखी हुई मूंगफली के दाने यानी कि पीनट्स, और मीडियम आंच पर इन्हें हम अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। भूनने से मूंगफली के इन दानों का कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाएगा, साथ ही में इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। और इसे अच्छे से भूनने में लगभग 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। तो अगर हम मूंगफली की बात करें तो इसका जो टेस्ट होता है वो लगभग काजू जैसा ही आता है, साथ ही में काजू के सारे गुण, उसकी सारी क्वालिटीज़ मूंगफली में पाई जाती हैं। तो अगर हम मूंगफली को सस्ता वाला काजू भी कहें तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। और हमें इसे चम्मच से लगातार चलाते रहना है ताकि सारे दाने बराबर से भून जाए। तो ये लीजिए, मूंगफली के इन दानों का कलर काफ़ी अच्छे से चेंज हो गया है, मतलब कि ये अच्छे से भून गई है और इसका जो छिलका है ये भी इससे अलग होने लगा है। तो मूंगफली के इन दानों को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसे एक थाली या प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए, इन्हें मैंने ठंडा किया और फिर हाथों से मसलकर इसका छिलका निकाल कर साफ कर लिया, क्योंकि हमें इस मिठाई को बनाने में मूंगफली के छिलकों का यूज़ नहीं करना है। तो अब इन भुने हुए मूंगफली के दानों को हमें मिक्सर जार में डाल लेंगे। तो मूंगफली के इन दानों को पीस कर हम इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मूंगफली का पाउडर बिल्कुल तैयार है। तो हमारा एक काम हो गया, अब हम मिठाई को बनाना शुरू करेंगे। तो बस सिंपली अब हम ये मूंगफली का पाउडर कढ़ाई में डाल देंगे और हमें अब ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है। मुश्किल से अब 2 से 3 मिनट का काम बचा है। तो पहले हम मूंगफली के इस पाउडर को हल्का सा गर्म कर लेंगे धीमी आंच पर, और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप कंडेंस मिल्क यानी कि मिल्क मेड। ये मैंने घर पर बनाया है, आप मार्केट वाला कंडेंस मिल्क का भी यूज़ कर सकते हो। और कंडेंस मिल्क घर पर बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता रखा है, वो भी 2 आसान से तरीके बता रखे हैं। तो आप चाहो तो हमारे चैनल पर जाकर इसके दोनों ही तरीके देख सकते हो। तो अब हम इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और गैस फ्लेम को हमें स्लो पर ही रखना है। तो ये देखिए, मैंने दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमने इसमें कंडेंस मिल्क यानी कि मिल्क मेड का यूज़ किया है, जिसमें कि काफ़ी मात्रा में चीनी होती है। इसके लिए हमें इसमें अलग से शुगर ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये काफ़ी स्टिकी है, तो जब तक ये कढ़ाई छोड़ना शुरू ना कर दे हमें इसे मिक्स करते हुए पका लेना है। तो ये देखिए, अब इस मिश्रण ने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दी है और इस पर अब अलग सी शाइन भी आने लगी है, क्योंकि पीनट ऑयल रिलीज होने लगा है। तो अब ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, आप चाहो तो इसे टेस्ट भी कर सकते हो। थोड़ा सा इसमें से मिश्रण लेके आप उसे ठंडा करके इस तरह से आप उसकी बॉल बनाकर चेक कर सकते हो। अगर बॉल बन रही है तो ये एकदम अच्छे से पक गया है। अब हम इसे निकाल करके अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए, अभी ये लगभग काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है, पर अभी भी ये हल्का सा वॉर्म है, हल्का सा गर्म है। तो हम इसे अपने हाथों से मसल कर थोड़ा सा सॉफ्ट और स्मूथ बनाएंगे ताकि ये एकदम डो की फॉर्म में आ जाए और हम इजीली आसानी से इसके पेंसिल रोल बनाकर तैयार कर सकें। तो सिर्फ 1 या 2 मिनट तक हम इसे मसल लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, अब ये बिल्कुल तैयार है शेप देने के लिए। तो इसमें से हम थोड़ा सा मिश्रण ले लेंगे इस तरह से, और फिर हम इसे पेंसिल रोल की शेप में बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम इसे रोल करते जाएंगे और इस तरह से हम इसे हाथों से लंबाकार आकार में इस तरह से रोल करेंगे। ये देखिए, तो इसे आप जितना चाहे उतना थिक रख सकते हो। मैं इसे पेंसिल रोल की शेप में बना रही हूँ, तो मैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा पतलाई में रोल करूँगी इस तरह से। तो ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार है। तो इसे अब हम साइड में रख देंगे और सभी रोल हम इसी तरह से रोल कर लेंगे अपने हाथों से। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ रोल तैयार कर लिए हैं, जिन्हें गार्निश करने के लिए हम चाहे तो इस पर चांदी का वर्क लगा सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा चांदी का वर्क इन पर इस तरह से लगा लूँगी, और इस तरह से लगा लेने के बाद अब हम इसे 15 से 20 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे, टुकड़े काटेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से अब ये अच्छे से सूख चुके हैं। तो एक चाकू की मदद से हम लगभग 1.5 इंच की लंबाई में इसके पीसेस काट लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, अब ये एकदम बाजार जैसे हमारी स्वादिष्ट पीनट पेंसिल रोल बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे जल्दी से खाने के लिए सर्व कर लेते हैं।
तो इस तरह से हमारी ये सिर्फ दो चीज़ों से बनी बहुत ही स्वादिष्ट और अनोखी मिठाई बिल्कुल बनकर तैयार है, जो कि देखने में और खाने में बाजार से लाई हुई मिठाई के बराबर है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। सिर्फ दो ही चीज़ों का इस्तेमाल करना है और बहुत आसान है इसे बनाना। तो बनाइए, खाइए, सभी को खिलाइए साथ ही में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें इसे दूसरों के साथ। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल ईडियम मिशन को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ ही घंटी के निशान पर भी क्लिक ज़रूर करें ताकि हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से सबसे पहले मिल सके। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस पीनट पेंसिल रोल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट यमीशस।